ओम नमः शिवाय। आज जो बच्चे पैदा होंगे दोपहर के पहले तक कन्या राशि के होंगे और दोपहर के बाद पैदा होने वाले बच्चे तुला राशि में आएंगे। कन्या राशि वाले बच्चों का स्वभाव अच्छा होगा, बहुत पराक्रमी होंगे, ऊर्जा उनके अंदर भरी हुई रहेगी। थोड़ा माँ का स्वास्थ्य कमज़ोर रह सकता है, पिता के लिए भाग्यशाली माने जाएंगे, अत्यधिक पराक्रमी होंगे। और आज शाम को पैदा होने वाले बच्चे बहुत ही आकर्षक, रूपवान, गुणवान, अच्छे विचारधारा वाले और अत्यंत पराक्रमी, पिता के लिए अत्यधिक लाभदायक होंगे। अब आइए दैनिक राशिफल में मेष राशि के जातकों के लिए। आज उनका स्वास्थ्य दिन भर अच्छा रहेगा, उत्साह बढ़ा हुआ रहेगा, कार्य व्यवसाय में अनुकूलता बनी रहेगी, भाग्यवश कुछ काम अच्छे होंगे जिसमें लाभ मिलेगा। नौकरी वाले जातकों का आज दिन भर अच्छा रहेगा, भाग्यवश कुछ आपको लाभ भी मिलेगा। धन संबंधी मामलों में सहयोग बढ़ा हुआ रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का समय बहुत अच्छा है, उत्साह बना हुआ है, माँ का स्वास्थ्य बहुत बेहतर रहेगा, कल की अपेक्षा आज बहुत राहत महसूस करेंगे, पत्नी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। वृष राशि वाले जातक का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों थोड़ा उलझन भरा हुआ रहेगा, क्योंकि आपकी राशि से चंद्रमा छठवें भाव में चले गए हैं और शुक्र आठवें चल रहे हैं, इसलिए अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान दें। थोड़ी मानसिक उलझन बनी हुई रहेगी, जो आप काम सोचेंगे वह काम पूरे होंगे, कार्य क्षमता में बढ़ोतरी रहेगी, व्यवसाय संबंधी मामलों में अनुकूलता बनी रहेगी। नौकरी करने वाले जातकों का समय भी अच्छा है, अधिकारियों का सहयोग बना हुआ रहेगा, आपके अंदर उत्साह भरा हुआ रहेगा, धन संबंधी मामलों में सहयोग मिलता रहेगा। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, माँ का स्वास्थ्य अच्छा महसूस होगा, पत्नी के स्वास्थ्य में थोड़ी कमी हो सकती है, ध्यान दें। ओम नमः शिवाय का मानसिक जाप करते रहें, इससे काफ़ी अनुकूलता मिलेगी। मिथुन राशि वाले जातकों का आज का दिन बहुत अच्छा है, आत्मविश्वास आपके अंदर भरा हुआ है, स्वास्थ्य संबंधी अनुकूलता बनी हुई है, आज जो काम आप सोचें उसको कोशिश करें पूरा कर लें। थोड़ी पेट में भारीपन की स्थिति बनी हुई है, मंगल गुरु और चंद्रमा तीनों एक साथ आपके पंचम भाव में चल रहे हैं, इसलिए संतान संबंधी समय अनुकूल चल रहा है, कार्य व्यवसाय में अनुकूलता बनी हुई है। नौकरी करने वाले जातकों का समय भी आज अच्छा रहेगा, विद्यार्थियों के लिए खास तौर पर आज बहुत अच्छा समय है, उत्साह के साथ पढ़ाई में मन लगेगा, धन संबंधी मामलों में अनुकूलता बनी हुई है, माँ का स्वास्थ्य अच्छा महसूस करेंगे, पत्नी के स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान दें। गाय को हरा चारा खिलाएं, नहाने वाले पानी में फिटकरी डालकर स्नान करें, इससे काफ़ी अनुकूलता मिलेगी। कर्क राशि के जातकों का आज का समय बहुत अनुकूल है, स्वास्थ्य आपका बिल्कुल अच्छा रहेगा, मन में उत्साह बढ़ा हुआ रहेगा, ऊर्जा से भरपूर रहेंगे, माँ का सहयोग आज अच्छा मिलेगा, धन संबंधी मामलों में विरोधियों से धन मिलने की संभावना बनती है, अगर आपका पैसा रुका हुआ है तो मिलने की उम्मीद है, कार्य व्यवसाय में अनुकूलता बनी रहेगी। नौकरी करने वाले जातकों का आज का समय बहुत अनुकूल है, विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, उनका भी कॉन्फिडेंस लेवल आज बहुत अच्छा रहेगा, भाग्य आपका साथ देगा, माँ का स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा है, पत्नी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करें, इससे आपको हर तरीके से अनुकूलता मिलेगी। सिंह राशि वाले जातकों का प्रयास आज सफल रहेगा, स्वास्थ्य संबंधी अनुकूलता बनी हुई है, कार्य व्यवसाय में मन लगाकर काम करें, कार्य पूरे होंगे। नौकरी करने वाले जातकों का समय अच्छा है,
अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। धन संबंधी मामलों में अनुकूलता बनी हुई है, जितना काम करेंगे उसके अनुसार आपको लाभ मिलता जाएगा। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, भाग्य साथ देगा। माँ का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पत्नी का स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। सुबह सूर्यदेव को अर्घ्य दें और ओम घृणी सूर्याय नमः का मानसिक जप करें, अनुकूलता मिलेगी। कन्या राशि वाले जातक आज समय का भरपूर उपयोग करें। लगभग हर मामले में आपका समय अनुकूल है। स्वास्थ्य संबंधी अनुकूलता बनी हुई है। धन संबंधी मामलों में सहयोग मिलता जाएगा। जो काम सोचेंगे वह लगभग पूरा होगा। मन प्रसन्न रहेगा। नौकरी करने वाले जातकों का आज अनुकूल दिन है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, भाग्य साथ देता रहेगा। माँ का स्वास्थ्य पहले से बेहतर महसूस होगा, पत्नी का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। अचानक लाभ की स्थिति बन सकती है। यदि मौका मिले तो गाय को हरा चारा खिलाएं और गायत्री मंत्र का मानसिक जप करें, अनुकूलता मिलेगी। तुला राशि वाले जातकों का आज का दिन पूरी तरीके से सहयोग करने के लिए तैयार है। मन प्रसन्न रहेगा, कोई भी काम करने में मन लगेगा। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कार्य व्यवसाय में कल से ज़्यादा अनुकूलता आज बनी रहेगी। नौकरी करने वाले जातकों का समय भी अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, सहयोग मिलेगा। मन लगाकर पढ़ाई करें। माँ के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी चिंता बनी रहेगी, ध्यान दें। धन संबंधी मामलों में अनुकूलता बनी हुई है। यदि समय मिले तो गाय को केला खिलाएं, अनुकूलता बनी रहेगी। आज वृश्चिक राशि वाले जातक भावना प्रधान रहेंगे। ससुराल पक्ष पर खर्च का अंदेशा बनता है। आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा। नौकरी करने वाले जातकों का समय अनुकूल है। कार्य व्यवसाय में अनुकूलता मिलेगी। धन संबंधी मामलों में सहयोग मिलता रहेगा। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। माँ का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। पत्नी के स्वास्थ्य पर धन खर्च हो सकता है, ध्यान दें। समय मिले तो हनुमान चालीसा या ओम हं हनुमते नमः का मानसिक जप करें, अनुकूलता मिलेगी। धनु राशि के ऊपर मध्य की साढ़े साती चल रही है, इसलिए एक मानसिक दबाव हमेशा महसूस होता रहेगा। फिर भी आज मन प्रसन्न रहेगा, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, धन संबंधी मामलों में सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का समय बहुत अनुकूल है। आपका भाग्य साथ देगा, लाभ की स्थिति बनी हुई है। प्रयास करें। माँ का स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा, पत्नी का स्वास्थ्य भी अनुकूल रहेगा। रोटी में घी और हल्दी मिलाकर गाय को खिलाएं, अनुकूलता बनी रहेगी। मकर राशि के जातक स्वास्थ्य पर ध्यान दें। त्वचा के संक्रमण का अंदेशा बनता है। धन संबंधी मामलों में समय अच्छा चल रहा है। धन व्यय पर नियंत्रण करें। कार्य व्यवसाय में अनुकूलता बनी हुई है। व्यापार में उन्नति के योग चल रहे हैं। नौकरी करने वाले जातकों का समय भी आज बहुत अनुकूल है। अधिकारी पक्ष अनुकूल रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। माँ का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पत्नी के स्वास्थ्य के प्रति चिंता बनी रहेगी। ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करें, अनुकूलता मिलेगी। हनुमान चालीसा भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके ऊपर साढ़े साती की पहली ढैया चल रही है। मन शांत रहेगा। कुंभ राशि के जातकों का आज आध्यात्म और धार्मिक कामों में रुचि बनी रहेगी। आपका स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा। धन संबंधी मामलों में भाग्यवश कुछ काम अच्छे होंगे। व्यावसायिक रूप से आज का समय अच्छा है। नौकरी करने वाले जातकों का समय भी अच्छा चल रहा है।
विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लगेगा, माँ का स्वास्थ्य अच्छा चलेगा, पत्नी के स्वास्थ्य में भी सुधार मिलेगा। गाय को और कुत्ते को रोटी खिलाएं, अनुकूलता मिलती रहेगी। मीन राशि वाले जातकों को आज अपने स्वास्थ्य पर और अपनी कार्य क्षमता पर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। अपने कार्य योजनाओं का प्रयास जारी रखें, सफलता मिलेगी। आत्मविश्वास में कमी ना होने दें। नौकरी करने वाले जातकों का समय अनुकूल रहेगा। धन लाभ की स्थिति बनी हुई है। विद्यार्थियों के लिए आज का समय अनुकूल है। माँ का स्वास्थ्य आज पहले से बेहतर महसूस होगा। पत्नी की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ जो पहले से चली आ रही थीं, उसमें भी सुधार होगा। गाय को रोटी खिलाएं और मंदिर में कुछ फल दान करें, अनुकूलता मिलेगी।